स्वागत है ऐशी की दुनिया में। हो पाप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अलहमदुलिल्लाह सब ठीक है। जो नई चैनल पे वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलें। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। सो गाइस, आज का सीन ऐसा है, जैसे आप जानते हैं आज है फ्राइडे। फ्राइडे को आपको पता ही है मैं रूम को अपने बहुत अच्छे से घर संवारती हूँ, सजाती हूँ लाइक ईद, क्योंकि फ्राइडे हमारे लिए ईद की तरह है। मैं हर बार ये बोलती हूँ, और बहुत से फ़राइज़ होते हैं जो आज हमें पूरे करने होते हैं। तो आज मैं निमट गई हूँ, आप देख सकते हैं 1:15 हो रहा है, और माशाल्लाह से मैं सफाई से हो गई फारिग। डिश वॉशिंग रह गई है अभी मेरी, बर्तन में बाद में धुलूंगी, लेकिन सफाई से अलहमदुल्ला फारिग होगी। और आज मैंने थोड़ी सी ना सेटिंग भी चेंज करी अपने रूम की, तो चलो आपको दिखाती हूँ कैसी लग रही है आज की सेटिंग। वाइज जो मैंने सेटिंग चेंज करी है वो है ये, देखें मैंने यहाँ बिछा दिया है ये वाला कारपेट, और इस पर कुशन सजाए हैं। और जो यहाँ का सोफ़ा था वो मैं ले आई हूँ यहाँ पर, ये देखें। तो इससे क्या हुआ, कालीन बार बार ना उठाना बिठाना पड़ रहा था जब भी मैं बिछाई थी, और अब ये यहाँ पे सेपरेट रहेगा तो बाबा हटाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोफे पे मुँह से सोता है, यहीं लगा के सोता है, तो इसलिए मैंने इसको यहीं रख दिया। अब इसको यूँ ही फोल्ड कर देंगे सोने के टाइम पे। बाकी ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। और निकाला मैंने ये वाला ब्लैंकेट। गाइस ठंड बढ़ गई है, आपको पता है विंटर्स आ चुके हैं दिल्ली में, इसलिए ये तो कुछ इस तरीके से लग रहा है आज हमारा रूम। तो आप कमेंट करके जरूर बताएगा मेरी ये सेटिंग अच्छी लगी, या वापस से वही कर दूँ जरूर बताएगा। और हयात भी हो गई है रेडी, दिखाओ हयात। हयात को आज सुबह उनके भाई की तरह, भाई के साथ ही मैंने शार करा दिया था, रेडी कर दिया था। मैंने कहा चलो एक काम मेरा 7 मिनट जाएगा। मूसा का आज है लास्ट एग्ज़ाम, आज मूसा को मिलेगा आराम। तो गाइस बैठते हैं जल्दी से, नमाज से होते हैं फारिग, फिर आपसे मिलते हैं। हयात क्या हो गया, आज भी नाराज हो गई, हुआ क्या है हयात? हयात बेटा क्या हुआ है, क्यों ऐसे बैठी हुई हो? क्या हुआ, क्यों जा रही हो घर छोड़ के? पर्दा गिर जाएगा, हटो। अच्छा अच्छे इधर आओ। अरे देख लो, फिर नहीं आऊंगी मैं मनाने, अब फिर मैं जा रही हूँ, बाय। शाम के बज गए हैं 5, और मूसा का हो गया आने का टाइम। मूसा को हमारे ससुर लेकर आ रहे हैं, हस्बैंड लेट आएंगे, तो आज मैंने सोचा है करूँ उनके साथ कोई प्रैंक। अभी मजा आएगा ना, भिड़ो। प्रैंक के करवा रही हूँ मैं उन्हें, बोलूँगी मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, घर छोड़ के इन द सेंस भागने वाला, और उन्हें बिना बताए नीचे उतर जाऊँगी। लेट्स सी उनका रिएक्शन क्या होता है। और उसके लिए मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ। देखो मैंने ये टेची ले ली है, इसमें थोड़े बहुत कपड़े वपड़े डाल दूँगी ऐसे ही, और नीचे भाग दूँगी, और देखते हैं उनका रिएक्शन क्या रहता है। गाइस तैयार रहिएगा आप, बहुत तेज हो रहा है, बहुत मज़ा आने वाला है। गाइस पता नहीं क्या रिएक्ट करेंगे, अभी तो ही नहीं पता। भाग के जाऊँगी कहाँ ये सोच रही हूँ, चलो तो मैं सोचती हूँ। गाइस ले ली अपनी अटैची, और हस्बैंड भी आने वाले हैं, उससे पहले हमें गाड़ी तक पहुंचना है ताकि वो हमें देख लें। लेट्स सी। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। एक गड़बड़ी हुई है, हस्बैंड अभी ही आ गए हैं नीचे, और मैं भी नीचे हूँ, और उन्होंने हमें देख भी लिया, पूछ रहे हैं कहाँ जा रही हूँ। अब मैं चुपके दिमाग में सोच रही हूँ मैं क्या कहूँ। हस्बैंड है ना, नहीं ये नहीं है हस्बैंड, अभी ये समझो इधर की साइड देख गए वो, और शायद उन्होंने हमें देख लिया है, मूसा पापा ने शायद हमें देख लिया, हम पकड़े ना जाए। स्कूटर लेके मैं क्या करूं, तुम कहां जा रही हो, आप कितनी जल्दी कैसे आ गए, क्या कर रही हो? बस कहीं नहीं।
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। गाइस क्या करें, पोपट हो गया, प्लान हो गया, प्रैंक हो गया, इनकम्प्लीट प्लान हो गया, इनकम्प्लीट और अनसक्सेसफुल। तो चलो कोई नहीं, अब मैं इनसे कह रही हूँ मुझे घर छोड़ जाओ। चलो गाइस, प्लान इस बार वाला तो बिल्कुल ही फेल हो गया, प्रैंक फेल। ये क्या है? सो गाइस हस्बैंड कह रहे हैं अगर जाना है तो चली जाओ, उसमें भागने की जरूरत है घर, मतलब उन्होंने सारे प्रैंक की ऐसी तैसी कर दी और गाड़ी निकाल के कह रहे हैं चलो मैं छोड़ कर आता हूँ, बोले इतने परेशान हुए मुझे छोड़ कर आ रहे हैं। गजब बेइज्जती है, आप मुझे ऐसे ही छोड़ कर आ रहे हो, मतलब आपने कोई गुस्सा नहीं करा, कुछ नहीं करा, देखते हुए मुझे पागल है, खुशी की बात होती है ये, मतलब आपने इतना से भी नहीं कहा कि क्यों जा रही हो, मत जाओ। पागल है, तुम्हारा अपना घर है, मैं कैसे मना कर सकते हैं, तो बहुत खुशी की बात है, जब मर्जी जाओ। आप तो बहुत खुश हो मेरे जाने से, ये सब मर्दों की खुशियाँ होती है, तुम्हें नहीं पता, आप मतलब खुश हो मेरे जाने से। हाँ हाँ, तुम मुझे रोकोगे? पागल, एक बार भी नहीं रोका आपने, खुशी खुशी छोड़ कर आऊंगा मैं खुद। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर एक का कबीला। बार भी मुझे नहीं रोका, एक बार जिससे कहता हूँ ऊपर से कह रहा हूँ मैं तुम्हें कुछ खिलाते पिलाते छोड़ कर आऊंगा, इतनी खुशी से मुझे घर छोड़ कर आ रहे हैं ये, मतलब इतनी जल्दी गाड़ी निकाली, चाबी निकाली, मुझे तो हैरान की हो रही है। और ये देखिए हमारी आदू आज क्या बनी हुई है, पिंकी गर्ल बनी हुई है। चलो गाइस कोई नहीं, चलते हैं, मैं इस बहाने चले गए, क्या खुशी से गए यहाँ पे हम। हाँ जी मैडम, क्या जी। रुको जरा, सबर करो, बोला दही के गोले और पप्पा छोले। दही के गोले में क्या है? गोले कैसे गोले? हिंग गोले। सबसे अच्छा क्या है? आज तुम फेंक मत देना। कितने रुपए का पत्ता दे रहे हो भैया? 120। कमीशन हटा के 30 का प्रमोशन कर रही है, यहाँ पे अपना ठेला लगाया है, यहाँ पे नहीं चाहिए प्रमोशन, पैसा चाहिए पैसा। मेरे सब्सक्राइबर आएंगे आपको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बस पैसा तो अपना, अपनी बात करो। नहीं नहीं, हमने फालतू का प्रमोशन ना करो हमारे साथ, खिला दीजिए आपको जो भी हम कर देंगे हिसाब से, ले लेना 50 रुपए ले लेना। तुम इससे 50,000 कमाओगे और मुझे 100 रुपए दे रहे हो, आप क्या चाहते हो? अपना बताओ, अपना कट बताओ, कम से कम 20,000 तो दो। जाइए जाइए जाइए, आगे बढ़िए आगे बढ़िए, जल्दी से जाइए, आप आगे बढ़िए, आप आए, हम नहीं आए। कुछ तरीका है भीख मांगने का? और हम यहाँ रुके हैं, यहाँ पे ना दही के शोले करके एक डिश है वो मिलती है, तो हमने सोचा हम ट्राई करें वो भी, और बहुत ही रीजनेबल रेट पे, और खा के देखते हैं फिर बताते हैं आपको कैसा है, फिर आप लोग भी यहाँ जरूर आइएगा। इस वक्त हमें INA मार्केट में है, और वैसे और कुछ नहीं है, मतलब कुछ यहाँ पे कोई मैं आपको बता सकूँ, बस INA मार्केट है, और ये यहाँ पे सब बच्चे कच्चे हैं, यहाँ जूस चल रहा है, कुछ खाने पीने के देखो कितनी आइटम्स हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, जूस है और ये है क्या जी, अल्लाह के नाम पे बैग में चाहिए, चेक दे दीजिए, चेक आ गए हैं। क्या है ये भैया? हाँ मिल जाएंगी, बताओ तो है क्या ये भैया? चिकन फ्राई है मैडम, 220 की प्लेट है, बताए नहीं क्या है? से मत देखे चिकन फ्राई है, लेग पीस। So guys, ये है दही के शोले, इन्हें कह रहे हैं दही वाले, चीज के ही है। अरे चिकन फ्राई बताइए ना, सही सारा नाम बताइए। ये दही के शोले पर हमें चिकन फ्राई कह के बेचते हैं। अच्छा, अब कितने बड़े धोखेबाज हैं गाइस ये। तो गाइस ये हैं दही के शोले, चले खाते हैं, लगाने। So guys, खाते हैं और आपको बताते हैं। बहुत टेस्टी है गाइस, आप जरूर आइएगा, ये बहुत टेस्टी है। ये देखो मेरे बच्चे को किडनैप करके लेके जा रहे हैं, चलो इसे देखते हैं। तो गाइस पहले हमने खाए थे दही के छोले, बंधन तो प्यार का बंधन, ये सारी चीज अपने पास ले रहे हैं। आजी ने मेरे को गलत वाला दे दिया, अच्छा खासा होता मेरे पास।
ये चलाक ब्रो, चलाक ब्रो, वेरी चलाक। इसका एड्रेस बताओ जरा हमारे व्यूअर्स को, कहाँ पर है ये? INA में मार्केट में, बस वो रहा एड्रेस। बोर्ड का ले लेना तुम, चलो फोटो डाल देना या फिर वीडियो बना लेना। वो आ तो चीज ही चीज है, चले खाते हैं, बहुत टेस्टी। और आप लोग को जरूर आना है यहाँ पे खाने, और कभी हुआ तो मीटअप भी करेंगे यहाँ पे। तो गाइस देखिए यहाँ पर है, भी है और ये यूट्यूब पे भी इनका है अपना, मतलब आप देख सकते हो ये क्या चीज है। तो आइएगा जरूर, ये दही की छोले रेसिपी है, बहुत फेमस है रमजान। बहुत 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 टेस्टी थे, आप लोग यहाँ जरूर आए। दीपक शर्मा, शेफ दीपक शर्मा फेमस है ये यूट्यूब पे भी, तो आप लोग जरूर आए। कैसा लगा आपको? काफी बड़ी मार्केट है, मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी, मतलब जो हुई वही छोटी सी बस हुई है, लेकिन अच्छी खासी बड़ी मार्केट है और अच्छी सामान भी अच्छा मिलता है। तो आप लोग आए जरूर, विजिट करें यहाँ पे, तो वो काफी बड़ी है ना, तुम्हारा वो है। हाँ ये देखो दिल्ली हार्ट INA, आप नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन से भी उतर सकते हो, यहाँ पे इजी आना आपके लिए। अरे नहीं वो रो रही है गाइस, वो बहुत बड़ा हो गया, मूसा ने ना गांव तक के मार दिया इसके, गलती से लग गया वो, मेरे मार रहा था, मैं नीचे हो गया। अरे नहीं उसके आंख में तकलीफ है, सॉरी बोल उसे, आवाज आ रही है, से सॉरी आपसे मिस्टेक हुई है ना, किसी का लुक, कोई बात, चलो माफ कर रहा हूँ भाजी को, ठीक है अब उन्हें खेलो मारने का गेम बता रहा हूँ। भाई मेरा चश्मा है, चश्मे की टेंशन है। अगर अब तूने अभी तो देखो इसकी कितनी पटाई होगी। जैसे आप जानते हैं मैं आ चुकी हूँ घर पे, और जैसे तैसे तो मैं आ गई हूँ, तो आज हम यहीं पे अपना टाइम स्पेंड करेंगे। मैं 2 नाइट 3 डेज का पैकेज बनाकर आई हूँ, ये रहे हमारे रूम सर्विस। मेरे पास कोई और रास्ता है, ये रूम सर्विस मिलेगी हमको फुल। यहाँ पे आपको देखो कितना अच्छा गैलरी मिलेगी, बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा, सामने वाले रूम हमने 2 बुक कर लिए, तो बहुत बड़े रूम मिलने वाले हैं और बहुत मस्ती करने वाले हैं आज हम। और सबसे पहले मस्ती करने के लिए हमें अपना बिस्तर करना पड़ेगा, और हमको ज्वाइन करा है हमारे हस्बैंड ने भी, वो भी हमारे साथ यही मज़े करने वाले हैं आज। खूब अपना फ्राइडे नाइट मनाएंगे, मतलब सैटरडे नाइट, काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी दिनों बाद और काफ़ी दिनों बाद, बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। और ये भाई आएंगे, भाई भाई मस्ती करेंगे आज को, सोना नहीं है, जो सोया वो आउट, आज फुल नाइट आउट, नाइट आउट इन सब कुछ होगा, बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। तो लेकिन व्लॉग को तो करना पड़ेगा एंड, तो करते हैं आज की व्लॉग एंड, होप आपको अच्छा लगे, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं कल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट नाइट 1:45 रात के अरूबा लाएंगे बना के हमारे लिए, बहुत ही टेस्टी सैंडविच, थैंक यू अरूबा, बहुत मेहनत कर रही है अरूबा, और हमारे लिए उसने ये अच्छा पैकेज में हमारे ये भी इंक्लूड थे, तो ये भी पैकेज में इंक्लूड थे, देखें कितने ज़बरदस्त लगे, चलिए खाते हैं। Thank you.